So, a very good morning to all my dear students. So, as you all know, this is our second lecture, right? So, for those of you who were not present in the last session, मैं वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करती हूँ, सो आप लोग वो देख सकते हो ऑन यूट्यूब, ठीक है? मैंने आपके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी शेयर किए हैं ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सो जस्ट प्लीज गो थ्रू इट वंस, ठीक है? अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल, स्टिल मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रही हूँ एक चीज कि यू नो असाइनमेंट्स मेरे सब्जेक्ट के जो है, यू हैव टू सेंड इट ऑन एवरी संडे. लाइक आई थिंक हमारा लेक्चर एक मंडे को हुआ, राइट? दूसरा आज हो रहा है, तो दोनों असाइनमेंट आप संडे को सेंड कर देना. विच पेन, कौन से फॉर्मेट में, वो ऑल सब करना है, दैट यू हैव टू, वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कहा है, राइट? यू कैन वॉच माई रिकॉर्डेड वीडियो. अच्छा, सेकेंड थिंग जो मैं शायद बोलना भूल गई थी, सी आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट जॉइनिंग यूजिंग देयर ओन नेम. लाइक आई कैन सी फोन का नाम लिखा हुआ है या ऐसे कुछ लिखा हुआ है. सी स्टूडेंट्स, आइडियली यू नो अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उससे बेसिकली क्या होता है, हमें किसी का आई कैन बी 1 2 3 4 ऐसा कुछ नाम है, समथिंग लाइक दैट. सो सी व्हाट आई मीन टू टेल यू और इज, अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे नहीं पता चलेगा. सी, हम लोग आपका जब अटेंडेंस लेते हैं, ओके, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोग कौन अटेंड कर रहा है लेक्चर. इसलिए मेक श्योर कि यू नो व्हेन यू ज्वाइन द चैट, आप अभी भी इफ यू वांट आप खुद को रीनेम कर सकते हो. आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, ओके? लाइक किसी का आई कैन सी TXH ऐसे कुछ नाम लिखा है, ओके? मोस्ट ऑफ यू सबने अपना फर्स्ट नेम ही लिखा है, तो मेक श्योर आप ऐसा ना करो, अदरवाइज नहीं पता चलता है हमें, राइट, कि कौन स्टूडेंट आया हुआ है कौन नहीं. सो जो लोग का लास्ट लेक्चर मिस हो गया था, इफ यू रिमेम्बर, ओके, सो या मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज कि यू नो लास्ट लेक्चर वी हैड डन कि बिजनेस, जो बिजनेसमैन होते हैं, मैंने हमने गेम खेला था, ठीक है? सो आई टोल्ड यू ऑल कि फॉर एग्जांपल हीर है, हार्ड वर्किंग है, ओके? स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप स्क्रिबलिंग, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द चैट रूम. आगे अगर ऐसे होता है तो गलती से हुआ है तो ठीक है, बट आई कैन सी ऋषिकेश ने किया है वो, ओके? सो इसलिए आगे से प्लीज मेक श्योर ऐसा ना करो, और यू विल बी स्ट्रिक्टली थ्रोन आउट ऑफ द, आई मीन नॉट जस्ट फॉर दिस लेक्चर, कमिंग सेशंस ऑल्सो, ओके? इट्स ओके अगर गलती से हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आगे मत करना. सो यस, एज आई वॉज टेलिंग, हमारा जो फर्स्ट सेशन था, वी हैड डन बेसिकली अबाउट यू नो एक गेम खेली थी हमने कि बिजनेस मैन जो होता है, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट? आई टोल्ड यू हीर है, हार्ड वर्किंग है, राइट? सेम वे मैंने आप लोगों को पूछा था आपका नाम क्या है, आप वो बताओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो दैट वॉज वी आर, अगर हम मेन टॉपिक की बात करें, वो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो डेफिनेशंस ऑफ अ बिजनेस. सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एंड सी चैट बॉक्स में आगे अगर कोई समवन इज यूजिंग बैड वर्ड समथिंग लाइक दैट, आई वुड थ्रो देम आउट, ओके? दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस. आप लोगों को कुछ बात करनी है, टाइप इट इन योर ओन ग्रुप, अदरवाइज आई विल हैव टू स्ट्रिक्टली टेल दिस टू द प्रिंसिपल सर, ओके? स्टूडेंट्स ये विल, दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द कॉलेज, ठीक है? ओके, सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, सी व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस. आज हम प्रोफेशनल डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं. सी स्टूडेंट्स, यू नो डेफिनेशन जो जैसा होता है हम लोगों को वैसे ही लिखना होता है, ठीक है? सो अगर मैं बोल रही हूँ, सी डेफिनेशन मोस्टली जो लोग बनाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मैनेजमेंट गुरुज होते हैं, ओके? वो लोग डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाते हैं, तो यू नो डेफिनेशन आइडियली बाय हार्ट ही करना पड़ता है हमें, ठीक है? इसे यू नो व्हाट आई यूज टू डू व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यू नो टेक्स्ट बुक में जो सबसे इजी डेफिनेशन था जो साइंटिस्ट ने दिया था वो मैं करती थी. डेफिनेटली सब कोई ऐसा ही करेगा, राइट? तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग भी, सी अभी डोंट वरी, आज के लेक्चर में यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द एक्चुअल कंसेप्ट, ओके? ठीक
ठीक है, डेफिनेशन एंड ऑल एग्जैक्ट में टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक आपके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? अभी वो पूछो ही मत कि मैम कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैंने आपको कहा है थियरी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, सो सी, लुक एट वॉट इट्स रिटन ओवर हियर। द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस राइटर्स डिफरेंटली। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग यू नो टेक्स्ट बुक में लाइक गूगल पे जाके भी अगर आप बिजनेस करते हो दिस वर्ड, यू विल फाइंड हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है? मतलब काफी लोगों ने अपने हिसाब से बोला है कि बिजनेस ऐसे होता है वैसे होता है। सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को भी एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, सब लोग अग्री करोगे। अगर मैं आपको एक पानी का ग्लास दे रही हूँ, ठीक है, आधा ग्लास, कोई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मैम आधा ग्लास खाली है। कोई क्या बोलेगा, मैम आधा ग्लास भरा हुआ है। मतलब डोंट यू ऑल अग्री इट इज अ वे, हमारा आउटलुक नजरिया कैसा है। जो लोग पॉजिटिव होंगे क्या बोलेंगे, हाँ आधा ग्लास भरा हुआ है। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं क्या बोलेंगे, यू नो कुछ लोगों की आदत नहीं होती है कि कोई चीज अच्छे में अच्छी हो फिर भी यू नो उसमें फॉल्ट ढूंढना। ओके, सो व्हाट दे विल डू इज नेगेटिव कि मैम आधा ग्लास खाली है। तो सेम वे बिजनेस, अगर सी सब लोगों को लाइफ में सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट? आई हैव टोल्ड यू बिजनेस का एक ही एम होता है प्रॉफिट। तो अगर कोई ऐसा है जिसको यू नो बिजनेस में लॉस हुआ है, वो बिजनेस के बारे में बुरा ही बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे नहीं होता है, आई एम श्योर इवन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस। ओके, क्या बोलते हैं वो लोग कि हाँ देखो कि जॉब करनी अच्छी है, बिजनेस में इतना हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो रिस्क लेके भी हमें नुकसान हुआ तो। ओके, मतलब वो हमेशा हम बोलते हैं ना दे कीप ऑन डाउटिंग कि नहीं अच्छा होगा, बुरा ही होने वाला है, आई मीन ट्राई किए बिना भी, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। कौन ये कर रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट लेक्चर आई वोंट परमिट दिस। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आ गई इसलिए ये सब करना स्टार्ट कर दिया है, फाइन। ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग मी दिस। अगर इफ आई गेट टू नो अबाउट दिस तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल रिमूव हिम, ठीक है? थैंक्स फॉर टेलिंग मी। सिर्फ मेरे लेक्चर में हो रहा है या हर किसी के लेक्चर में? ओके फाइन, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। आई विल रिमूव दैट पर्सन आउट ऑफ द चैट बॉक्स, ठीक है? फाइन। सो या कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि हर लोगों ने अपने हिसाब से चीज कही है। ओके, मतलब किसी को लग रहा है बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लग रहा है सिर्फ लॉस हो रहा है, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है? आगे देखो व्हाट इज रिटन इन द सेकेंड पॉइंट। बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज, वन मिनट, यस आई नो एक्चुअली, या FETL करके कोई लड़का है, ही हैज डन दैट, दैट्स राइट, बिकॉज वो मुझे भी दिखा। आई थिंक दैट पर्सन हैज लेफ्ट द चैट रूम, एनी वे गुड, अगर ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आते वही अच्छी बात है। ओके फाइन, एनी वे ऐसे स्टूडेंट्स पे इट्स नॉट वर्थ वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है? सो आगे अगर हम बात करते सी वॉट इट्स रिटर्न। ओके फाइन, ओके सी फाइन, एनी वे अभी वी आर नॉट कंसर्न कौन था कौन नहीं। नेक्स्ट लेक्चर अगर मुझे पता चल रहा है स्टूडेंट नाम पे से, यस या तो आई विल स्ट्रिक्टली टेल इट टू प्रिंसिपल। ओके सी, बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज विच मेक्स डिस्ट्रीब्यूट्स और प्रोवाइड एनी सर्विसेज। सो सी स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें याद आ रहा है मैंने आपको सर्विसेज का एग्जाम्पल दिया था, इफ यू पीपल रिमेम्बर,
क्या हो जाता है सर्विसेज में कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लाइट में इफ आई एम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ठीक है, तो वो एयरलाइंस पूरी मेरी नहीं हो गई, उसकी मैंने सर्विसेज अवेल की है, राइट? अदरवाइज लेट्स से कि मैं ब्यूटी पार्लर गई हूँ हेयर कट करवाने, ठीक है, दैट डजंट मीन कि वो ब्यूटी पार्लर मेरा हो गया, वहाँ का शैम्पू, चलो मुझे मन हो गया मैं वो शैम्पू लेके आई मेरे घर, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है? तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी बेसिकली। एंटरप्राइज मींस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सी स्टूडेंट्स, बिजनेस करने का भी एक फॉर्मल वे होता है, राइट? इट्स लाइक सी, अगर आप देखते हो, आई एम श्योर रस्ते पे भी इफ यू आर सीइंग देयर विल बी मेनी पीपल, जो लोग यू नो वड़ा पाव बेच रहे हैं, डोसा बेच रहे हैं, अभी तो डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, राइट? बट मैं आपको बेसिकली क्या बोलना चाहती थी ओवर हियर इज, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कॉरपोरेट जो कंपनी होती है, राइट, जहाँ पे प्रोफेशनली बिजनेस किया जाता है, ठीक है? तो सी उसमें क्या होता है, विच मेक्स, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, ओके, आई एम इनटू सेलिंग मोबाइल फोन्स, तो मैं वो खुद पार्ट्स बना रही हूँ। मोबाइल फोन की बात करूँ, आप लोगों को पता ही है उसमें ये स्क्रीन जो होता है फोन का वो लगता है, फिर यू नो क्या बोलते हैं इसका, बैटरी लगता है, कवर लगता है, काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब मैं वो खुद असेंबल करके बना रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट्स, कस्टमर को बेचना है, राइट? या तो सर्विस, सर्विस का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैं सर्विस बेच रही हूँ। टेक द बेस्ट एग्जाम्पल, आप लोगों ने स्टूडेंट्स फीस पे की है, राइट, फॉर योर बीकॉम, तो आप लोग देखो आपको इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसी कॉलेज आपको टेक्स्ट बुक एंड ऑल ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं दे रही है। आप अभी भी मेरे लेक्चर में तुम लोग बोलोगे कि मैम हमें फिजिकली कुछ नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है इज नॉलेज, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? आई मीन उसी को बोलते हैं सर्विसेज। तो आज के टाइम में यू नो सर्विसेज में भी बहुत स्कोप है, वही मैं आप लोगों को समझा रही थी, ठीक है? जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही बेचो तुम्हें प्रॉफिट होगा। अब देखो कितने लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, यू नो अदर देन दैट भी अगर मैं आपको बताऊँ, ब्यूटी पार्लर्स काफ़ी अच्छी सर्विसेज है, बहुत चलती है, इसमें यू नो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? विच अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, विच अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड, मतलब बेसिकली क्या सोसाइटी को जरूरत है इसकी, आप लोग ही उसे मुझे बताओ। मैं ऐसे ही कुछ पागलों के जैसे कुछ बना रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि लोगों को चाहिए कि नहीं, स्टिल मुझे पसंद है इसलिए मैं बना रही हूँ, नो थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। एक कस्टमर यू नो अगर कोई कुछ बेच रहा है, सेलर है, तो सामने कोई कस्टमर भी तो होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट खरीदे, राइट? इसलिए सोसाइटी को चीज़ की नीड होनी चाहिए, बेसिकली यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है? ओके, सी व्हाट्स रिटन नेक्स्ट, एंड आर विद इन पे फॉर इट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी विद इन पे फॉर इट का मीनिंग क्या हो जाता है, पैसे देने को रेडी है। नाउ सी स्टूडेंट्स, गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके, आप लोगों ने आई एम श्योर ये सुना होगा, कुछ ऐसे पेंटर्स होते हैं जिनकी पेंटिंग, एक पेंटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, लाखों करोड़ों में बिकती है, येस और नो? इवन रिसेंटली मैंने न्यूज में सुना था सलमान खान इज ऑल्सो अ वेरी गुड पेंटर, उसकी भी जो पेंटिंग्स है लोग काफी प्राइस देने को रेडी है उसके लिए, लाखों में बिकती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझाना चाहती थी बेसिकली ओवर हियर इज, यू नो कि सी यू विल टेल कि मैम ये लोग पागल है, लाख रुपया कौन वेस्ट करेगा पेंटिंग में, ये सब चीज़ें वो सब, ओके? मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी ओवर हियर, लोगों को उसकी वैल्यू दिखती होगी तभी तो बाय कर रहे हैं, येस और नो? कोई पागल नहीं है, मतलब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाहती थी ओवर हियर कि इट यू नो टोटली डिपेंड्स कि यू नो आपको वो प्रोडक्ट की वैल्यू लगती है इसलिए ही वो बिक रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट टू पॉइंट्स, इसमें किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी, इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट्स, बिकॉज हमारा आधा हो गया है, अदर्स इज लेफ्ट आउट। सी अगर एंड में टाइम रहा तो मैं आप लोगों को एक यूट्यूब वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ, ओके? थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, ओके?
सो विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है. ग्रेट, आई लाइक सच लेवल ऑफ इंट्रैक्शन. सी अगर ऐसा ही इंट्रैक्शन रहा तो यू नो आई वुड शो यू मोर वीडियोस आल्सो ऑन यूट्यूब. जस्ट यू नो आपका अभी टीवी का क्लास चल रहा था, आई शोड देम अ वीडियो ऑन गूगल, दे वर वेरी हैप्पी सीइंग इट. ओके, मतलब अगर आप लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हो, अच्छे से बिहेव करोगे, डेफिनेटली आई वुड लव टू शो इट टू यू ऑल्सो. ठीक है. सी, जब से यू नो मैं आपको वीडियोस दिखाने लगूंगी तब से समझ जाना कि मैं आपके क्लास को ट्रस्ट कर रही हूँ. ओके, या एनीवे, वी आर बिगिनिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. देखो क्या लिखा है. बिजनेस में बी डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी. सी स्टूडेंट्स, एक्टिविटी का मीनिंग होता है प्रोसेस. एंड अगर आप प्रोसेस की बात करो, इट इज समथिंग दैट इज कंटिन्यूअस. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस मीन्स वॉट. मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फोन बनाने का बिजनेस है. ठीक है. सो अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूँ तो सी, एक बार मैंने फोन बना दिया, बेच दिया, मेरा काम हो नहीं जाता है. अच्छा, टेल मी वन थिंग. ओके, आप लोगों में से कितने लोग फैक्ट्री कभी कोई देखी है? आई एम श्योर स्कूल टाइम पे आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए उन्हें यू नो पार्ले जी की फैक्ट्री या आरे की फैक्ट्री इधर उधर लेके जाते हैं. आई डोंट नो क्लास में से कितने लोग गए फैक्ट्री में, जस्ट टेल मी. जस्ट टाइप येस अगर आप गए हो तो. आपने देखा है कैसी होती है फैक्ट्री, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू नो. ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन. ग्रेट. सो सी, मैं आप लोगों को यहाँ पे यही समझा रही थी कि फैक्ट्री में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो भी दिखाऊंगी. गुड, केक फैक्ट्री में गए हो. मैं भी आई हैव ऑल्सो पर्सनली नेवर बीन टू अ केक फैक्ट्री. ओके ग्रेट. सो सी, मतलब यू नो वहाँ पे सब बड़े मशीन्स यूज करते हैं, सब कैसे ऑटोमेटिक आता है. तो आप देखो जो बड़ी कंपनीज होते हैं, ठीक है, उनका काम ऐसा नहीं है कि एक बार एक बैच ऑफ गुड बना दिया. फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी की फैक्ट्री है, हमने बिस्किट बना दिया एक बैच, मतलब चलो अब मशीन्स रोक दो. नो, आप देखो वहां पे एवरी डे, इवन ऑन संडेज आई विल टेल यू, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तभी बंद रहेगा. यस, आरे की फैक्ट्री, राइट, मोस्ट कॉमन मुंबई में. यस, इवन आई हैव बीन देयर. मतलब आप देखो, मैं आपको वही बोल रही थी, काम स्टॉप नहीं हो जाता है. बेसिकली प्रोसेस का मीनिंग यही होता है, जो हमेशा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है. तो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, यू नो एक्टिविटी मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, जो हमेशा चलते ही रहता है. इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज. यस, किसी को कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी. ओके फाइन. तो मैं आप लोगों को बेसिकली वही बोल रही थी कि एक्सचेंज होता है. सी, मैंने आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज कही होगी कुछ टाइम पहले, इफ यू पीपल रिमेम्बर, बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था. हिस्ट्री सबने पढ़ी है. ओके, बार्टर सिस्टम मीन्स व्हाट. तभी जब कॉइन्स करेंसीज नहीं थे, तो व्हाट पीपल यूज टू डू इज, मैं अगर तुझे चावल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तू मुझे सब्जी दे, समथिंग लाइक दैट. ओके, मतलब उसकी वैल्यू हुआ करती थी. तो सेम में अगर मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रोसेस है जिसमें यू नो पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू. सी, अगर मैं अभी एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, आई नो अभी अगर हमें गोल्ड खरीदना है, ठीक है, तो आई रिमेम्बर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, उसकी वैल्यू कुछ 40-50 thousand है, आई डोंट नो अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है. ओके, तो मैं आपको वही बोल रही थी कि जो खरीदने वाला है उसको उसकी वैल्यू लगती है, तभी वो इतने पैसे डाल रहा है, राइट. तो सेम थिंग मैं आपको यहाँ पे वही बता रही थी. सी, कि एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू. अभी के टाइम में नो डाउट, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताओ मुझे, एक नॉर्मल कैडबरी हम लेने जाते हैं, उसकी 5 रुपीज वैल्यू है, राइट, एक छोटी सी कैडबरी है. तो वही मैं बोल रही थी कि उसकी एक वैल्यू होती है, कुछ प्राइस होती है, ठीक है. और देखो आगे क्या लिखा है, वेदर गुड्स और सर्विसेज, मतलब सेम थिंग, सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही है. मैं आपको सर्विस का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई नो हमारे एरिया में अगर आप हेयर कट करवाने जाते हो, तो यू नो एक अच्छे पार्लर की बात कर रही हूँ, एक टाइम के हेयर कट के लिए आई नो
दे चार्ज ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज। ओके, गर्ल्स हेयर कट की बात कर रही हूँ, बॉयज का डेफिनेटली कम होगा। तो मैं आपको वही बोल रही थी अभी, वो पार्लर अच्छा चल रहा है। मतलब व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज 100 बात की एक बात, लोगों को वो 1,000 वर्थ लग रहा है इसलिए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई बेवकूफ तो नहीं है कि ऐसे ही 1,000 रुपये दे रहे हैं, राइट? तो वही मैं आपको समझा रही थी कि बेसिकली वैल्यू, मतलब जो बेच रहा है उसे भी प्रॉफिट हो सेलर को, जो बायर है एट द सेम टाइम उससे भी उसकी कुछ वैल्यू लग रही है कि ये लेके मुझे कुछ फायदा होने वाला है, राइट? वही मैं आपको, सी फॉर म्यूचुअल गेन्स मींस व्हाट, वही मैं, दोनों का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। वी टेल इट, इसको हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ओके, विन का मीनिंग क्या है? जीत होती है वो। ओके, तो इसमें आप देखो, जो सेलर है बेच रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है, एंड जो बायर है, सो सी फॉर एग्जांपल, कल अगर मैं मोबाइल फोन ले रही हूँ तो मुझे उससे कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, राइट? मे बी कॉल करने के लिए मुझे वो काम में आएगा, या तो फिर यू नो लेक्चर अटेंड करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, फॉर म्यूचुअल गेन और सर्विसेज। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी, कुछ नहीं समझ में आया हो पूछना है, आई एम लुकिंग एट एवरीथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अभी नाउ लास्ट पॉइंट, सी स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, देयर वाज वन थिंग जो मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती थी। सी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, लास्ट लेक्चर, ये शायद मैंने आप लोगों को बोला था, डू यू पीपल नो व्हाट एनजीओज आर? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या तो चैरिटी इंस्टीट्यूट्स, ये सब क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू नोस नॉन गवर्नमेंट? कोई लिख सकता है क्या करते हैं ये लोग बेसिकली? ओके, लेट मी सी योर चैट बॉक्स क्या लिखा है आप लोगों ने। यस, यू आर राइट, यस एब्सोल्युटली राइट, यस। सी, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, दे बेसिकली हेल्प समवन। आप सब लोगों ने एकदम सही कहा। सी, अगर यू नो लेट्स से कि कोई गरीब लोग है, यू नो उनके लिए खाने को नहीं है, तो व्हाट दे विल डू इज मे बी फूड पैकेट्स जो होते हैं फ्री में दे देते। ठीक है, नाउ सी, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी वर्क एंड बिजनेस। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रही थी। ओके, बहुत लोग ये समझ नहीं पाते। सी, हाँ, यू ऑल आर राइट, ग्रेट, गुड टू सी सो मच इंटरेक्शन। नाउ सी, मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी यहाँ पे, यस, काफी नाम है आपने सुने होंगे। ओके, वो भी कंसेप्ट आपको आएगा आगे, एंटरप्रेन्योरशिप करके आपका 4th यूनिट है, उसमें CSR का कंसेप्ट आएगा। ओके, अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, सी, एनजीओ जो है वो कुछ देते हैं ना लोगों को, वो प्रॉफिट का मोटिव नहीं रखते हैं। ओके, सी, मे बी यू नो कई बार आप देखा होगा, कोई लोग फ्री में नहीं देते, बट फूड पैकेट काफी, हम बोलते हैं ना, कम रेट में देते हैं। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वो लोग को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे भी वही समझा रही थी, बिजनेस में प्रॉफिट ऑलवेज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनजीओ या सर्विस की बात नहीं कर रहे, चैरिटी वर्क, यू नो, यस यस यू आर राइट प्रणव, एनजीओ का सर्विस मोटिव होता है कि कुछ चैरिटी करो, कंपनीज में प्रॉफिट मोटिव होता है स्ट्रिक्टली कि कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बिजनेस और चैरिटी सोशल सर्विस में, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको यही बताना चाहती थी यहाँ। ग्रेट, ओके, सो स्टार्टिंग, वील डू द लास्ट पॉइंट नाउ। ओके, रोनाल्ड डिफाइंस बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स और सर्विस टू मेक प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, राइट? कोई भी बिजनेस है, इट इज ऑलवेज डन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, राइट? सी,
प्रॉफिट की बात हो रही है, आप लोग सी नेक्स्ट टाइम से स्टूडेंट्स, मैं जब भी आप लोगों को पूछ रही हूँ तो यू विल हैव टू, अगर मैं आपको बिजनेस बोलूँ, डिफाइन बिजनेस इन वन वर्ड, फ्यूचर में भी अगर आप लोग एमबीए करोगे, जो भी आप पढ़ाई करोगे, कोई आप लोगों को पूछ रहा है कि यू नो हाउ विल यू डिफाइन बिजनेस इन वन वर्ड, आप एक ही आंसर लिखोगे क्या? प्रॉफिट। ओके, बिकॉज पूरे बिजनेस का फाउंडेशन हम बेस बोलते हैं वही है। ठीक है, सो नाउ आई विल डू वन थिंग। अच्छा, मुझे और एक कंसेप्ट आप लोगों से करवाना था। नेक्स्ट टाइम इफ पॉसिबल मैं आपको कुछ उसके फोटोज भी दिखाने वाली हूँ। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही थी। मुकेश अंबानी इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी, कोई बता सकता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं सब रिस्पॉन्सेज आई एम रीडिंग। मुकेश अंबानी, वेरी गुड, रिलायंस, ग्रेट, वेरी गुड, यस, रिलायंस की बात। रतन टाटा इज एसोसिएटेड विथ विच बिजनेस, कोई बता सकता है? टाटा ग्रुप, ग्रेट। ठीक है, अभी देखो मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाती हूँ। वो एंड में टाइप भी कर रही हूँ चैट बॉक्स में, बिकॉज किसी को नहीं पता है। वाओ, आंसर्स आर कमिंग लाइक बूम, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चलो, ये नाम सबने सुना हो कि नहीं पता नहीं, बट आई विल टेल यू ऑल फॉर श्योर, आप लोग ये चीज एवरी डे यूज करते हो, सब लोगों को इस पे बैठना बहुत पसंद है। ओके, कैन यू टेल मी मार्क जकरबर्ग इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? मार्क जकरबर्ग, सब लोग एवरी डे यू ऑल लाइक टू सिट ऑन इट, एब्सोल्यूटली राइट, फेसबुक इज द करेक्ट आंसर, सब लोगों को पसंद है ये, राइट? ओके, चलो एक और पूछ लेती हूँ। जेफ बीजोस, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, अमेजोन इज द राइट आंसर, यस। तो सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्यों ये क्वेश्चंस दे रही हूँ अभी मैं समझा रही हूँ। अभी मैं चैट बॉक्स में आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। वेरी गुड टू सी सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, राइट? यस, ओके, सो जस्ट पे अटेंशन टू योर चैट बॉक्स, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन। अमेजोन का सिर्फ स्पेलिंग राइट लिखना। ओके स्टूडेंट्स, मैं भी टाइप कर रही हूँ यस चैट बॉक्स में। सब लोग फेसबुक अमेजोन यूज करते ही हो, राइट? आई नो। सी स्टूडेंट्स, आप लोग अगर देख लो, फेसबुक इज ऑल्सो अ सर्विस, येस और नो? प्रोडक्ट नहीं है वो, आप वो यूज कर रहे हो ऐप, राइट, टू कम्युनिकेट, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं एसोसिएटेड है। अमेजोन भी अगर आप देखो, यू नो, उसपे नो डाउट आप अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बट यू नो वो अमेजोन क्या कर रहा है, बायर एंड सेलर को कनेक्ट कर रहा है। ओके, खुद उसके प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स है मे बी, यू नो आई नो अमेजोन इको डॉट, वो सब उसके प्रोडक्ट है, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो सी, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, ये जो स्लाइड आप को मैंने जो आज कराया, ठीक है, आपको ये असाइनमेंट के लिए इतना ही लिखना है आज। ओके, यू हैव टू राइट नथिंग एल्स, नोट्स जो आपके हैं आई विल शेयर इट नेक्स्ट विथ नेक्स्ट वीक विथ यू ऑल। ओके सी, अभी आपके जो एग्जांपल्स की बात है, सो अभी मैंने आपको बताया, होप आप लोगों को याद है। सी आई एम ऑल्सो टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स ताकि आप लोग भूलो नहीं। ओके सी, रतन टाटा, टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी, रिलायंस, आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एंड सी स्टूडेंट्स, मैं आपको आई एम नॉट लिमिटेशन नहीं कर रही हूँ, ये चार के अलावा भी आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल्स आते हैं, पता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। इनफैक्ट आई वुड अप्रिशिएट कि यू ना आप नए एग्जाम्पल्स भी लिखा करो। ठीक है, सी मैंने लिखा है, दो पहले थे देवे इंडियन एग्जाम्पल्स एंड दो अभी दिए, दे आर इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, राइट? टाटा एंड रिलायंस इंडियन कंपनीज है, बाकी के जो दो है
इंटरनेशनल फर्म्स है, राइट? तो आई होप आप लोगों को वो समझ में आया, ठीक है? ओके गुड. सो सी, अभी हैव यू अंडरस्टूड टुडेज कंसेप्ट? बिजनेस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या थे इसमें? किसी को सी, मैं एकदम स्लोली मूव करना चाहती थी, बिकॉज थियरी सब्जेक्ट्स में आई वुड वांट कि सबका ध्यान रहे. ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? ओके ग्रेट. सो अभी टाइम रह गया है स्टूडेंट, सो ओनली इफ यू प्रॉमिस मी कि आप लोग चैट बॉक्स में अच्छा, विराज इज आस्किंग कंपनी और फर्म में क्या डिफरेंस है. इट इज द सेम थिंग. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. सी, आप लोगों को वो सब डिटेल में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, वो एकदम एमबीए के कंसेप्ट है. जैसे जैसे आप आगे जाओगे यू विल गेट टू नो. अभी के लिए आप उतना ही याद रखो, दे आर द सेम थिंग. ओके, आगे व्हेन आई मूव इनटू द डिटेल तभी आई विल टेल यू. ओके ग्रेट. क्या लिख सकते हो डिंपल? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. हाँ, मतलब ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, सी पीपीटी आई ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन योर ग्रुप. तो यही बिजनेस का आज का असाइनमेंट है, आपको यही लिखना है बेसिकली. ओके, एंड एग्जांपल्स में मैंने आपको ये चार दिए, वो आप लिख सकते हो. इसके अलावा भी डेफिनेटली इफ यू नो समथिंग आप वो भी लिख सकते हो. ओके, आपको ये चारों के अलावा भी और कुछ पता हो तो, ठीक है? सो आई विल डू वन थिंग, लास्ट 5 मिनट्स रह गए, मैं आप लोगों को फटाफट एक छोटा वीडियो दिखा रही हूँ ऑन यूट्यूब, ठीक है? देन एट 11:55 विल एंड द लेक्चर. वही मैं कंफर्म करना चाहती थी. आई होप द असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है. ओके यस, सो आई विल शो यू द वीडियोज क्विकली. ओके, सो नाउ यू विल ऑल बी एबल टू सी माई मोबाइल स्क्रीन. लेट मी गो बैक टू जूम, बिकॉज इट्स नेसेसरी कि आप लोग मेरा वीडियो भी देख पाओ. फाइन, यू नो एज आई गो इन टू द टॉपिक, अभी टीवाई का क्लास हुआ था, आई शोन देम गूगल का वीडियो. मैं वो भी आप लोगों को फ्यूचर में दिखाऊंगी, व्हाट इज बिजनेस. ओके, लेट मी शो यू दिस स्लाइड स्टूडेंट, जस्ट सी. आप लोगों को सुना ही नहीं देगा, यू मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूंगी, आप लोगों को सिर्फ देखना है क्या है ये. जस्ट ऑब्जर्व. वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो. रफली डिफाइंड. ओके, रिपीटेबल. मैंने आपको आज ही बोला था, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? वैल्यू देते हैं, कुछ मीनिंग उसका होना चाहिए जो लोगों को जरूरत होती है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइस जो जिसमें देना चाहते हैं, एंड कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? प्रॉफिट कर सके, दैट इज द मेन थिंग ऑफ एनी बिजनेस, राइट? तो अभी मैं, और लेट मी ट्राई टू शो यू वन मोर वीडियो, तो आपको आई विल एंड द लेक्चर. ओके, जस्ट ये देख लो, यू विल लाइक इट. आइडिया बिजनेस क्या होता है, सी. मनी,
मैनेजमेंट, राइट, ये सब भी हमें पढ़ना है इन डिटेल। बिजनेस आइडिया, बल्ब मतलब आइडिया, राइट। वही का इन ब्रीफ क्या है ये सब्जेक्ट में सब। ओके, कैसे काम करेंगे बिजनेस में, वो भी होता है स्टूडेंट, लोगों से क्या करवाना है। सी बिजनेस में ये सब लोग होते हैं, इफ यू सी, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो आज। KFC का एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, मैकडोनल्ड बिजनेस के काफी एग्जाम्पल, फ्यूचर में आई विल बी कवरिंग अप विथ यू ऑन। सो ये हमारे वीडियोस हो गए, आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेस।